जय हिंद दोस्तों, आपने बहुत सारा पेंशन प्लान सुना होगा। इसमें बहुत प्राइवेट कंपनियों का पेंशन प्लान है, पोस्ट ऑफिस का भी पेंशन प्लान है, इसके अलावा सरकार का अटल पेंशन प्लान है। तो ये सब प्लान के बारे में आपने वीडियो देखा होगा, मैंने भी आपको बताया है। आज जो मैं बताने वाला हूँ वो बिल्कुल अलग है, जिसके बारे में आपने सुना होगा लेकिन कम लोग इसके बारे में जानते हैं लेकिन बहुत कम लोग। इसका नाम है योगी मानधन पेंशन योजना। योगी मानधन पेंशन योजना, अब योगी मानधन है इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यूपी के लिए है, उत्तर प्रदेश के लिए है, या फिर योगी आदित्यनाथ द्वारा ये लॉन्च किया गया, ऐसा नहीं है। यह भारत सरकार की योजना है और पूरे भारत में चलता है, हर स्टेट में चलता है। और ये योजना कई साल पहले ही लॉन्च हुआ है, लेकिन लोग ज़्यादा अटल पेंशन योजना को ही तरजीह देते हैं। इस योजना में भी क्या क्या है, किसको कराना चाहिए, कितना पैसा मिलेगा, कितना महीना आपको मिलेगा, सारा चीज़ बताने जा रहा हूँ। 3,000 रुपया पर महीना आपको पेंशन मिलेगा, लेकिन इसका प्रोसेस क्या है, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कहाँ कराएंगे, यही बताने जा रहा हूँ पूरे वीडियो में। आप स्किप किए, बिना स्किप किए इस पूरा वीडियो का आप जरूर एक बार देख लेंगे। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूँगा वीडियो को लाइक आप जरूर करेंगे। देखिए, योगी मानधन योजना जो है यह पूरे देश में लागू है, पूरे देश के लिए है। करा कौन सकता है? देखिए, जो श्रमिक है, गांव में रहने वाले, छोटे शहरों में रहने वाले या फिर बड़े शहरों में भी रहते हैं, जो श्रमिक है, श्रमिक समझते हैं मजदूर, जो मजदूरी करते हैं, चाहे किसी प्रकार का मजदूरी करते हैं, या फिर छोटा मोटा दुकानदार है, या फिर कोई किसी फैक्ट्री में काम करता है, किसी कंपनी में काम करता है, और उसका इनकम 15,000 रुपया से कम है महीने का, मतलब महीने का 15,000 रुपया से कम उसका इनकम होना चाहिए, 15,000 तक मैक्सिमम है, तो ही इस पेंशन का लाभ ले सकते हैं। इस चीज को समझिए। दूसरा क्या है कि इसमें 100 रुपया के लगभग पैसे आपको हर महीने जमा करना है, मात्र 100 रुपया का। जितना पैसा आप जमा कर रहे हैं उतना सरकार आपके बराबर में जमा कर रही है, समझ रहे? जैसे 100 रुपया महीना जमा कर रहे हैं तो सरकार 100 रुपया अपने तरफ से उसमें जमा कर देती है, 200 रुपया। आप 200 रुपया महीना जमा कर दे रहे हैं तो सरकार 200 रुपया एक्स्ट्रा जमा कर दे रही है, 400 रुपया हो जा रहा है। मतलब जितना आप कर रहे हैं उतना ही सरकार आपको उसमें मदद कर रही है। वो तो पैसा हुआ, मतलब जिस समय जमा करते हैं उसी समय ऐड हो जाता है, डबल वो हो गया। इसके अलावा उसमें इंटरेस्ट भी जुड़ता रहेगा और टाइम पूरा होने पर आपको पेंशन स्टार्ट हो जाएगा। इसमें आयु है 18 से 40 वर्ष तक आपका आयु होना चाहिए, कम से कम 18 वर्ष, ज़्यादा से ज़्यादा 40 वर्ष आपका होना चाहिए, तो इस पेंशन प्लान का लाभ ले सकते हैं, इस योजना का लाभ ले सकते हैं आप। इसमें जमा करने का उम्र है, पैसा जमा करना है आपको 60 वर्ष के उम्र तक, 60 वर्ष नहीं 60 वर्ष के उम्र तक। जैसे आप 30 वर्ष के हैं तो 30 वर्ष जमा करना है, आप 40 वर्ष का है तो 20 वर्ष जमा करना है। जमा करना नहीं है, आप योगी मानधन योजना लेते हैं तो आपके अकाउंट से हर महीने जितना का करते हैं, 100 रुपया तो 100 रुपया ही कटेगा, 200 रुपया करते हैं तो 200 रुपया ही कटेगा, और उसी हिसाब से आपको पेंशन स्टार्ट होगा। 3,000 रुपये पेंशन तो फिक्स ही आपको मिलेगा ही मिलेगा। इस योजना के लिए इसी साल अंतरिम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 177 करोड़ रुपया का बजट पास किया है, 177 करोड़ का बजट पास किया है, लेकिन लोग इसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। अब इसको लेने के लिए, इस प्लान को लेने के लिए आप जाएंगे कहाँ, कहाँ से इस प्लान को लेंगे, कहाँ से इस स्कीम को लेंगे? तो पहले डॉक्यूमेंट सुनिए, फिर बताऊंगा आपको कहाँ जाना है। डॉक्यूमेंट्स आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, तो आधार कार्ड तो सबके पास है। बैंक अकाउंट होना चाहिए, वो भी लगभग सभी के पास है। नॉर्मल बैंक अकाउंट नहीं है तो जनधन खाता भी होता ही है, नहीं है तो पोस्ट ऑफिस में होता ही है। इसके अलावा आपके पास एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए, मतलब एक मोबाइल नंबर होना चाहिए तो उसमें रजिस्टर्ड आप कराएंगे। तो बस यही चीज चाहिए और कुछ नहीं, जो सबके पास होता है। अब लेने के लिए कहाँ जाए इस प्लान को, तो सबसे बेहतर विकल्प है कि पोस्ट ऑफिस चले जाए, हर पोस्ट ऑफिस में ये उपलब्ध है, वहाँ आसानी से आपको इस प्लान का लाभ मिल जाएगा। अब जरूरी नहीं कि पोस्ट ऑफिस से ले, आपको जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, वहाँ भी आप पता कर सकते हैं, हर बैंकों में लगभग उपलब्ध है। अगर बैंक मना करता है या फिर आप बैंक में नहीं कराना चाहते हैं तो आप पोस्ट ऑफिस में चले जाइए, पोस्ट ऑफिस में इस योजना का लाभ आपको मिल ही जाएगा। ये तो पहला विकल्प बताया हूँ। दूसरा विकल्प, आप बैंक नहीं जाना चाहते हैं, पोस्ट ऑफिस नहीं जाना चाहते हैं, तो आपको जाना कहाँ है, CSC सेंटर जाना है, जो कॉमन सर्विस सेंटर रहता है, कंप्यूटर सेंटर आपके पास रहता है, जन सुविधा केंद्र रहता है, कहीं भी आप देखते होंगे अभी तो हर चौक चौराहा पर हर जगह कंप्यूटर सेंटर खुल गया हुआ है, जहाँ पर आप देखेंगे कि जहाँ पे नया अकाउंट खोला जाता है या फिर ऑनलाइन काम किया जाता है या फिर कोई फॉर्म भरवाने आप जाते हैं, तो ऑनलाइन सेंटर हर जगह रहता है, जो प्राइवेट खोल के लोग रखते हैं
वहाँ भी जाएंगे, आप बोलेंगे तो इस योजना के लिए वो फॉर्म भर देंगे, अप्लाई कर देंगे, आपके अकाउंट से लिंक कर देंगे और आराम से इस योजना का लाभ आप ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए, बाकी कैलकुलेशन आप जानना चाहते हैं कि 100, 200, 300 रुपया किस उम्र के लिए कितना पैसा लगेगा, किस कितना उम्र है तो कितना महीना देना पड़ेगा, कितना साल जमा करना है, तो बाकी मैंने संक्षेप में इसमें बता ही दिया है। बाकी एक्यूरेट डिटेल्स चाहते हैं तो जब आप कराने जाएंगे, चाहे पोस्ट ऑफिस में जा रहे हैं, चाहे बैंक में जा रहे हैं, चाहे सीएससी सेंटर में जा रहे हैं, खासतौर पर सीएससी सेंटर पर ही जाए तो जाएंगे कंप्यूटर सेंटर पर, तो आपको चार्ट निकाल के दे देगा, पूरा एक चार्ट निकाल के दे देगा, वहाँ उसमें सारा चीज एज बाई एज 18 से लेकर 40 वर्ष तक, एज बाई एज 18, 19, 20, 21, 22 सब, और किसका कितना पैसा लगेगा, कितना पेंशन मिलेगा, कितना साल जमा करना है, सारा चीज एक चार्ट मिल जाएगा, उसी चार्ट में सब कुछ रहता है जो एक पेज पर निकलता है, निकाल के आपको दे देंगे, उसको समझ के और उसी हिसाब से आप करा सकते हैं। बताने का मैं इस वीडियो में भी बता सकता हूँ, लेकिन पूरा चार्ट बनाने का मतलब है कि इस वीडियो, ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, बहुत सारी चीजें और बतानी पड़ेगी उसमें, इसलिए मैं शॉर्टकट में आपको बताया हूं। ऐसे आप सवाल करेंगे कि आप भी बता दीजिए, तो मैं नेक्स्ट एक डेडिकेटेड वीडियो, लंबा वीडियो बना दूंगा जिसमें सारा चीज इंक्लूड कर दूंगा। दोस्तों आपको बता दूं कि अधिक जानकारी के लिए आप टोल फ्री नंबर भी है, योगी मानधन योजना के लिए टोल फ्री नंबर भी है सरकार का, जहां फोन करके भी आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, तो वहाँ भी बहुत सारी चीज़ें आपको बता दी जाएगी। लेकिन आपको बता दे रहा हूँ कि आपको कराना होगा या फिर आपने करा चुका है, इससे संबंधित कुछ जानकारी लेना है तभी फ़ोन करेंगे, ये नहीं कि बहुत सारे लोग ऐसे ही ट्राई करने के लिए फ़ोन लगा देते हैं, तो इससे क्या है डिपार्टमेंट को परेशानी होती है। तो आपको मैं नंबर दे रहा हूँ, जो नंबर है 1800-2676-888, मतलब 1800-267-6888। तो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे भी मैंने इस नंबर को फ्लैश कर दिया है, तो आप इस पर कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं। बाकी मैंने जो बताया वहाँ संपर्क करेंगे तो डायरेक्ट आपको चैट वगैरह सब मिल जाएगा, सारी जानकारी ले सकते हैं। एक बार आप जरूर जानकारी इसके बारे में ले लें, जिन लोगों को नहीं जानकारी रहा होगा उनके लिए यह वरदान है, और जो लोग करा रखे हैं या फिर जो लोग जानते हैं इसके बारे में वो भी कमेंट बॉक्स में अपनी बात रखें कि क्या कैसा प्लान है, क्या बेहतर है, या फिर कराना चाहिए लोगों को या नहीं कराना चाहिए। दोस्तों इसी तरह का नई नई जो भी योजना आता है मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ, या फिर आप जो डिमांड करते हो कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, पूछते हैं कि इस योजना पर वीडियो बनाइए, इस टॉपिक पर आप वीडियो बनाइए, जो भी टॉपिक लिखते हैं उस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाता हूँ, चाहे वो रेलवे से संबंधित हो गया, चाहे सरकारी योजना से संबंधित हो गया, चाहे कानून से संबंधित हो गया, और भी बहुत सारे टॉपिक पर वीडियो बनाता हूँ, मोटिवेशनल, पॉलिटिकल, तो आप लिखेंगे तो उस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। सब्सक्राइबर नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइबर रहते इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।